गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एक्सप्लोरर विपिन। सो आज है हमारे साथ एक और स्पेशल गैजेट, जस्ट एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग जस्ट फॉर यू गाइस। हमने मंगाया है पोको का X6 Pro। एंड ये क्या है इसमें खासियत, वो आपको जल्दी से जल्दी बताते हैं। ये है 5G फोन, और अगर आप इसके बॉक्स की जगह चेकें कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो ये है फ्लैगशिप मीडिया टेक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा चिपसेट, 1.5120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप विद OIS, 67 वॉट का टर्बो चार्ज एंड 5000 mAh टर्बो बैटरी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू कैन सी, दिस इज मेड इन इंडिया। सो लेट्स सी, एंड यू कैन सी दैट सम डिटेल्स हियर, एंड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दिस, इस पे बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है गाइस। सो अभी चल रही है सेल, तो आप कभी भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और हमने मंगाया है 512 GB वेरिएंट विद 12 GB इंटरनल रैम। सो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा रिलायबल है और काफ़ी हायर इसकी रेटिंग्स हैं, और उसके बाद बाकी चीज़ें भी आपको बताएंगे। सो जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है आपके लिए। सो दिस इज अ फर्स्ट इंप्रेशन व्हाट वी आर गेटिंग हियर। दिस इज सम बॉक्स हियर, we just need to open it and we find some things which hai isme special, like some instructions, nano sim is supportable, you can see this is nano sim support hai, aur kafi bahut sare features updated hai jo hum baad mein check karenge. ek chhota sa mujhe lagta hai ye add on gift hai hamare liye, this is some kind of cover, you can see kafi flexible hai aur iski quality bhi mujhe theek lag rahi hai, kafi you know kafi acha hai, aur andar kafi you can see उस टेक्सचर्स टाइप में दिया हुआ है जो बॉडी को इसको बस स्टिक नहीं करेगा। और ये एक हमारे लिए कवर स्पेशली फ्रॉम पोको, बाकी कुछ नहीं है। इसको रखते हैं साइड में, अब इसके बाद इसको रखते हैं साइड में, और इसके बाद आपको दिखाते हैं और बॉक्स में क्या है बिफोर गो टू द मेन प्रोडक्ट। तो हमें मिलता है इसमें एक स्पेशल, जो अब आना बंद कर दिया कुछ प्रोडक्ट्स ने, हाई एंड डिवाइसेस ने, हाई एंड ब्रांड्स ने जो हमें अब लेना बंद कर दिया, वो हमें मिल रहा है इसमें अभी भी 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग टर्बो चार्जर। सो यू कैन सी नॉट दैट मच हैवी विच इज लुक लाइक, इतना हैवी नहीं है भाई जितना दिख रहा है ये। सो यू कैन सी दिस, एंड इसको रखते हैं साइड में, और उसके साथ में मिलती है हमें सुपर पावर केबल जो है हमारी टाइप सी आई बिलीव, लेट्स सी, यस अब टाइप सी ही सब सपोर्टेबल है। सो यू कैन सी दिस इज अ टाइप सी केबल, एंड दिस इज अराउंड 2 meter केबल वी हैव। सो इसको रखते हैं साइड में सबको, और हम दिखाते हैं आपको, और बॉक्स में कुछ नहीं भाई, तो सब साइड में रखते हैं। और मेन चीज़ हम दिखाते हैं हमारी, इसको रखते हैं यहाँ पर, और अब दिखाते हैं आपको मेन प्रोडक्ट जो मुझे लगता है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का हमने मंगाया, एंड यू कैन सी द क्वालिटी। आपको दिखाऊं मैं अगर क्लोज लुक करके, कि अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है वीगन लेदर स्ट्रक्चर, आई मीन फिंगरप्रिंट्स का कोई चांस नहीं है भाई। अगर आप देखना चाहें तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और यू कैन सी ट्रिपल कैमरा सेटअप इज हेयर, और यू कैन सी द ब्रांडिंग इज देयर, 64 मेगापिक्सल का OIS सेंसर इज देयर। और कुछ डिज़ाइन है जो आपको मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। सो दिस इज डिज़ाइन वी हैव गॉट, सो काफ़ी कुछ सिमिलर है वीवो X सीरीज की, पर पोको ने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया है, और दिस लुक लाइक वेरी प्रीमियम। अभी हम थोड़ा सा ऑन करके देखते हैं, ये दिस इज अ मेन फीचर, अभी थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा हमें। Now everything is here. Let's go continue. Then I have to just click in this instructions. Then again next. Insert SIM card. That's we asking. But अगर अभी हम skip करते हैं इसको और add network करके हम आप जोड़ते हैं अपना Wi-Fi connection password. Let me check. So हमने डाल लिया अपना password Wi-Fi का, और देखते हैं कितना time लेता है ये हमारा. So this is all about we have. Let's open this. Keep this here. थोड़ा जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। ब्राइटनेस वेरी अच्छी, मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी इस डिवाइस की। लेट्स सी, देन दिस इज अगेन दे आस्किंग मी कि पुराना फ़ोन को कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर करना है, तो हमें भी नहीं करना था, जस्ट वांट टू चेक इट कि हम प्रॉपर न्यू डिवाइस को इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर पुराना इसमें ऑप्शन दे रहा था कि अगर आपके पास पुराना डिवाइस है उसको कनेक्ट करके इसको और ये ट्रांसफर करता है, अभी हम स्किप करते हैं ईमेल पार्ट भी। सो सारी चीज़ें हम गूगल वगैरह बाद में रखेंगे, लोकेशन वगैरह ये आपको डिफॉल्ट बोलता है। You can see which thing you want to share or not. Accept करते हैं हम यहाँ पर, and again going to be continue. So
सो ओनली स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट्स और ये सब कुछ हम इसको करते हैं अभी फिलहाल. बाकी रिव्यूज वगैरह ऐप वगैरह बोल रहे हैं. गेटिंग फोन रेडी नाउ. तो गाइस दिस इज अ बेसिक थिंग. इफ समबडी ऑलरेडी डन देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट वी आर डूइंग. आपको सेटअप करता है पहली बार जो लोकेशन है, डायनेमिक स्टोर है, ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स का यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम जिसमें आप डेटा शेयर के लिए बोल सकते हैं, सिस्टम डोमिनेशन परमिशन दे रहा है, अपडेट ऐप ऑटोमेटिकली डेट व्यू डाउन ऑन एंड फॉन्ट सेटिंग डिफॉल्ट फॉन्ट वी वांट टू गो नैन लॉक स्क्रीन वी कैन से एग्री दिस इज समथिंग किस तरह का आपका होना चाहिए आपका सेटअप. डिफॉल्ट लॉन्चर सो दिस इज ऑन द डेस्क और हमें चाहिए ऐप ड्रॉअर जिसमें अंदर हो डेस्कटॉप पे कुछ ना हो. सो दिस इज वी चूज नाउ गोइंग टू फाइनल थिंग एंड लेट्स सी हाउ मच टाइम टू टेक. दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन एंड गाइस यू कैन सी इट्स वेरी गुड. यू कैन सी दिस इज ऑल एंड यू कैन सी व्हाट इज द मैसेज कमिंग. सो देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ. इसमें बहुत सारे प्री इंस्टॉल बोटवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं. आई डोंट नो कि हम हटा सकते हैं कि नहीं, बट लेट्स सी कि अगर हम इसको डिलीट करना चाहें अनइंस्टॉल कर सकते हैं. यस सो दिस इज अ थिंग वी कैन डू इजीली. जो चीज़ नहीं चाहिए आपको हटा सकते हैं, लाइक कैंडी क्रश दिस इज ऑल्सो वन थिंग अनइंस्टॉल. सो दिस इज यू कैन डू. थोड़ा सा ये कंपनी सेटल्ड है तो वी कैन नॉट से कि दिस इज वी नीड दैट, बट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट प्री इंस्टॉल ऐप बहुत सारे हैं इसमें यार. एंड टर्म एंड कंडीशन दे आस्किंग कंफर्म इंग्लिश यस. तो इसमें मुझे लगता है कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें सर्च करनी पड़ेंगी. दिस इज द सेटिंग ऐप ड्रॉअर की सेटिंग्स हैं. इसमें हम वापस जाते हैं बाहर. दिस इज द ब्राइटनेस यू कैन सी मैक्सिमम ब्राइटनेस वी हैव. दिस इज साउंड and what I can say this is a setting. So, this is all about system updater on update all. This is all about if we're going to continue this is going to update all the applications. Agar hum baat kare iski account ki Google WhatsApp account setting privacy about phone. This is all about themes. तो यहाँ आपसे आप एग्री करवा के आप थीम्स अपने हिसाब से इसमें लॉन्च कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट. सो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा इसके जो इसका हाइपर ओएस है MIUI के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है. दैट्स गिविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू मॉडिफाई एंड इफ यू टॉक अबाउट होम स्क्रीन दिस इज समथिंग यू कैन चेंज एनिमेटेड स्पीड एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है यार. बाकी आपको थोड़ा सा बताते हैं दिस इज कैमरा सेटअप. थोड़ा सा इसका कैमरा भी देखते हैं. सो वेयर इज द कैमरा. दिस इज द कैमरा. सो अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी की ऑली दिस टाइम सो यू कैन सी हियर दिस इज ऑल अबाउट पोर्ट्रेट मोड. सो अगर मैं इस पर फोकस करूँ तो इतना इजी नहीं है दिखना जितना यह है हमारे वीडियो मोड. इसमें यहाँ सेटिंग्स से हम कर सकते हैं चेंज. 60 fps से 4K तक की आपकी वीडियो शूट हो सकती है HDR+. और यहाँ ऑप्शंस आपके पास, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ग्रिड लाइन, टेम्प्रेरी, फ्रेश, बहुत सारे ऑप्शन है. माइक्रो मोशन ट्रैकिंग फोकस भी है आपके लिए. सो यू कैन एंड माइक्रो मोड भी है यू कैन सी हियर. सो अगर मैं जाना चाहूँ इसमें close. So let's leave this thing. Night mode also is there and there is so many other options if we talk about. So aap dekh sakte hain isme kya kya features mil rahe hain aapko. Panorama mil raha hai, short time film mil rahi hai aapko, AI watermark mil raha hai jo apna aap set kar sakte hain, time lapse hai, slow motion hai aur bahut sari cheeze hain jo aap up and down kar sakte hain. Jo aapke main screen hai aapke camera pe wo aapko dikhegi. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड रिव्यू करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे आपका दिखाना था कि इस टाइप की जो फ़ोन आए आपके X6 Pro जो है उसका जो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि इसके सेटिंग में अगर हम जाते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट सेटिंग.
इज द सेटिंग। या अगर आप अबाउट फोन करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज अ सिक्योरिटी अपडेट, अ डाउनलोड अपडेट, दिस इज वी हैव टू डू। जब तक ये इंस्टॉल होती है थोड़ा सा हम आपको स्किप करते हैं इस वीडियो को, जिससे कि आपको अभी 10 मिनट्स हो चुके, 10 मिनट्स का 10% हो चुकी है। लेट्स शो यू द नेक्स्ट स्क्रीन टू कंप्लीट दिस। तो गाइज जब तक ये हो रहा है अपडेट, तब तक आप दिखाते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसको रखते हैं ऑफ। तो अगर मैं साइड से बात करूँ तो यू कैन सी हियर, इसको रखते हैं साइड में, थोड़ा सा हमें जूम आउट करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी हियर, अगर मैं साइड की बात करूं तो ये हमारा अप एंड डाउन वॉल्यूम, और ये बटन है हमारा थोड़ा सा गोल्डिश कलर का, और यहाँ है हमारा टाइप सी स्पीकर्स, सिम ट्रे। और अगर हम बात करें अपोजिट साइड की तो ये हमारा पूरा प्लेन, इसे मेटेलिक फ्रेम यू कैन सी इजिली, तो ये मेटेलिक फ्रेम है। और अगर बात करें यहाँ ऊपर की तो ये IR पोर्ट, जो हमारे जितने भी कनेक्शंस होते हैं इंफ्रारेड वाले, आप TV AC जो भी चीज़ आपकी इंफ्रारेड से होती है इससे कनेक्ट कर सकते हैं, रिमोट की तरह इसको फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे स्पीकर ऊपर वाले, और ये हमारा सिग्नल पोर्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि इसमें जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो आपकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, और मैंने ऑर्डर किया येल्लो वन बिकॉज ऑफ दिस टेक्स्चर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि इसमें थोड़ा टेक्सचर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आपको फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे, जो उसके दूसरे वेरिएंट आते हैं बैक कवर वाले उसमें काफ़ी फिंगरप्रिंट्स आते हैं, आपको बार बार साफ करना पड़ेगा कवर। और अगर बात करें कैमरे की तो आप देख सकते हैं इसमें 64, 8 और 2 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन है विथ फ्लैश। दिस इज़ अ 64 मेगापिक्सल OIS सिस्टम, पोको का ब्रांडिंग है। और बात करें स्क्रीन की तो काफ़ी ब्राइट स्क्रीन है, एंड अभी भी चल रहा है अपडेट, लेट्स शो यू। तो जैसे अपडेट खत्म होता है इसको कंटिन्यू करते हैं, यू कैन सी द क्लियरिटी इज वेरी गुड इम्प्रेसिव। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार मुझे, थोड़ा सा ना इसका स्क्रीन मुझे थोड़ी सी कर्व नहीं है, इफ़ यू सी द स्क्रीन एजेस इट्स नॉट कर्व, सो दैट इज गुड। कि कुछ लोगों को जस्ट लाइक आई फाग इसको तरह से पकड़ते हैं तो एक कर्व में कहीं पर आपको टच हो जाता है, तो ये बड़ी काफ़ी फ्लैट स्क्रीन है। एंड IP54 का इसका रेजिस्टेंस है, वाटर रेजिस्टेंस, डस्ट रेजिस्टेंस, तो आप इसमें डिप नहीं कर सकते वाटर में, बट जैसे रेन वगैरह में इसमें स्प्लैशेस वगैरह पड़ जाए तो वो उससे डस्ट के लिए प्रूफ है। बट अगर आप बोलें कि इसको पानी में गिर जाए तो आई एम नॉट श्योर इट इज गोइंग टू बी सेफ। बट और बात करें इसकी ब्राइटनेस की, काफ़ी अच्छी है। इसके साथ में हमारा ये वेरियंट है 512 GB। और अब बात करें इसमें सार वैल्यू की तो एवरीथिंग इज हेयर। सो 1 ग्राम 1.6 पर केजी का इसमें जो लिमिट होती है सार की इंडिया में, और हेड और बॉडी के हिसाब से इसका 0.903 और 860 के हिसाब से, जो कि एक लिमिट परमिशन जो होती है इंडिया के सेफ्टी रेटिंग की, उसके हिसाब से ये आपको प्रोवाइड करता है। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, मेड इन इंडिया है, दिस इज ब्रांडिंग। डुअल सिम सेटअप है, तो यू कैन सी 12 डुअल सिम। और अगर बात करें इसकी 5G है, सो यू कैन सी इस वेगन फिनिशिंग, यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ द बैक कवर। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, एक बार लेना जरूर बनता है। और ये जो इसमें क्वालिटी में जो इसमें फीचर्स मिलते हैं वो आपको 35,000 40,000 तक के फ़ोन्स के फीचर के बराबर इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं। और अभी इसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट इफ़ यू हैव क्रेडिट कार्ड और समथिंग एल्स, एंड यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 4-5,000। सो ये 512 GB वेरियंट है 12 GB रैम के साथ। तो जैसे ही खत्म होता है लेट शो यू, दिस इज गोइंग टू बी रिबूट अगेन। सो आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन किस तरह की आती है इसमें रिबूट के टाइम पे, दिस इज गोइंग ऑन, एंड इसमें आता है ब्रांडिंग, और ये हो चुका है रिबूट। अगर हम इसको अनलॉक करें सो दिस इज ऑल अबाउट डन। अभी इसमें एक फीचर है जो आपको काफ़ी यूनिक लगेगा, कि अगर मैं कैमरा ऑन करता हूँ और यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन है, किसी तरह के भी हम अप एंड डाउन में किसी को भी क्लिक करते हैं लाइक दिस, सो इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट रिकॉर्डिंग। सो यू कैन सी 15 सेकंड की शॉर्ट रिकॉर्डिंग हो गई है, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा दिस इज़ ऑल अबाउट ये ख़त्म हो जाएगी रिकॉर्डिंग। अगर मैं डाउन बटन भी दबाता हूँ सो यू कैन सी हियर 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। और दिस इज़ अ यूनिक फीचर कि आप जैसे छोड़ेंगे इसको, आप जितने सेकंड्स की बनाना चाहें विद इन 15 सेकंड यू कैन डू दिस रिकॉर्डिंग लाइक दिस। तो काफ़ी यूनिक फीचर है जो
रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं लाइक दिस कि आप इसको आप वीडियो में जाएंगे तो कैन सी वीडियो में आपको अनलिमिटेड टाइम मिल रहा है, जिसमें आपको बस आपको ये दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है और जैसे आप इसको छोड़ेंगे ये वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। दोबारा इसमें कुछ करना चाहें हम मॉडिफिकेशन तो ये कंटिन्यू रहेगा। यू कैन सी वीडियो स्टार्ट चल रहा है, तो इसमें और कोई तरीका नहीं है इसको रोकने का कि आपको एक बार प्रेस दोबारा करना पड़ेगा यही बटन वॉल्यूम अप एंड डाउन में। दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको बस ये कैमरा इस तरह से पकड़ना है और यू कैन सी हियर आपकी रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट। जैसे ही इसको बंद करना है आपने वापस से इसको प्रेस करना है तो ये हमारी रिकॉर्डिंग होगी बंद। तो ये काफ़ी यूनिक फीचर है कि आपको इसके लिए थंब को यहाँ पर ले जाने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर अपने फ़ोन को इस तरह से पकड़िए और यहाँ से आपको जस्ट एक बार क्लिक करना है तो आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी स्टार्ट और जैसे ही इसको आप वापस से प्रेस करेंगे एक बार रिकॉर्डिंग बंद। और यही फीचर अगर आप फोटोज़ में जाके करेंगे तो आपको बस एक सिंगल क्लिक करके दबा के रखना है तो आपकी ये शॉर्ट 15 सेकंड की वीडियो स्टार्ट हो जाएगी और जैसे आप इसको रिलीज़ करेंगे तो ये जितने सेकंड्स के बनाना चाहें वो अपने आप सेव हो जाएगी आपके शेयर पे। बहुत ही यूनिक फीचर है जो फोटोग्राफी करते हैं, बहुत से लोगों को सिंगल हैंड की ज़रूरत होती है तो आप इस तरीके से डबल हैंड को यूज़ करेंगे और सिंगल हैंड कर से तो बड़ा ईजी होता है इस तरह से करना काम, बट अगर आप दोनों हाथ को पकड़ के स्टेबिलिटी के हिसाब से इसको चेक करेंगे तो ये यहाँ से ऑपरेट हो सकता है इंस्टेड ऑफ हियर। तो ये फिजिकल बटन की ऑपरेशन है और अगर आप इसमें पावर बटन दबाएंगे तो ये हो जाएगा बंद वापस से स्टार्ट। थोड़ा सा कह सकते हैं हल्का सा हीटअप हल्का सा है जो नॉर्मल होता है, बट इट्स नॉट दैट मच कि आप इसको कहें कि ये इशू है, इट्स नॉट लाइक दिस। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है यार। बाकी बात करें फीचर्स की तो इसके रिव्यूज़ हम दोबारा देंगे आफ्टर कुछ मंथ, एक महीने 15-20 दिन हम इसको यूज़ करके देखेंगे। दिस इज़ अनबॉक्सिंग, एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग फॉर यू। सो काफ़ी अच्छा फीचर है, आप इसमें फीचर में जा सकते हैं और इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं। ये हमें पड़ा अराउंड 22,000 का, इसकी मार्केट कॉस्ट अराउंड 30,000 है क्योंकि इसका जो 512 GB का वेरिएंट है वो 27,000 प्लस आता है। हमें ऑफर में ये मिला 22,000 का, तो आप भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें क्या डी निकली हुई है। ये काफ़ी लेटेस्ट है, मीडिया Xiaomi का बहुत अच्छा फ़ोन है, पोको की और Xiaomi एक ही कंपनी है, तो Redmi, पोको, वीवो, सो काफ़ी क्वालिटी वाइज अच्छा है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, यू कैन सी प्रीमियम क्वालिटी लगती है, येलो वन दैट्स व्हाई बॉट इट। बाकी एक बार आप अपनी तरफ से राय दीजिएगा कैसा लग रहा है फ़ोन, कुछ भी जानना हो एक बार आप मुझे अपने इसको वीडियो कमेंट में डाल सकते हैं। बाकी फॉर न्यूज नेक्स्ट वीडियोज़ और अनबॉक्सिंग एंड ऑल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल टेक एक्सप्लोरर विपिन। सो आपको ऐसे ही गैजेट्स की अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ और जेन्युइन फीडबैक्स फॉर एज ए यूज़र आपको मिलते रहेंगे। अभी बॉट दिस तो इसलिए मैंने आपके साथ ये अनबॉक्सिंग शेयर करी, दिस इज़ नॉट अ रेंटेड डिवाइस, सो इसकी आपको डेफिनेटली रिव्यू मिलते रहेंगे आफ्टर सम टाइम रेगुलर बेसिस। तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप उसको आपको डेफिनेटली 24 to 48 आवर्स में आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आपको कैसा लगा प्रोडक्ट आप एक बार कमेंट करके बताइएगा और फॉर अ टाइम बीइंग स्टे हेल्थी, कीप स्माइलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।